उदयपुर में रियल एस्टेट कारोबारियों पर चल रही कार्रवाई के तहत पांचवें दिन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इनकम टैक्स छापों में ग्रुप संचालकों के ठिकानों से 20 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात और 2 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। बताया जा रहा है कि अभी एक दर्जन से ज्यादा बैंक लॉकर्स पर कार्रवाई करना बाकी है। इनकम टैक्स विभाग की टीम एक्मे और अंकुश रियल एस्टेट ग्रुप से जुड़े पार्टनर से पूछताछ कर रही है, साथ ही जांच में हर रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी हुई है। टीमों को जांच में सॉफ्ट स्टोन कारोबार में इन्वेस्टमेंट के साथ ही मोटे ब्याज पर कई लोगों को लोन देने की फाइलें भी मिली है। शनिवार को भी 20 से ज्यादा ठिकानों पर पूछताछ की गई। इनकम टैक्स की टीमें अपने अंतिम दौर में कारोबारियों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। यह कार्रवाई अब 1 या 2 दिन में पूरी होने को है। शनिवार को एक्मे ग्रुप के पंकज जैन नाम के एक पार्टनर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। उनके भर्ती होने से डिस्चार्ज होने के बाद ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि पंकज जैन को शाम को छुट्टी अस्पताल से मिल सकती है। जानकारी के अनुसार उदयपुर में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और ऑटो फाइनेंस कारोबार चल रहा है, जिसमें आयकर विभाग की टीम को अघोषित व अवैध संपत्ति होने का अंदेशा हो रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। उदयपुर में इस ग्रुप के पास 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। उदयपुर में सवीना में रहने वाले कालू लाल जैन की शहर के आसपास ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।